एवरीवन, इट्स मी आशमी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में आप लोगों को कुछ एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ, जिसके वजह से अगर आपके गाल फुले हुए हैं, जिनकी वजह से सब आपको लाइक टीज करते हैं, और आपके जो डबल चिन वाली एरिया है लाइक इस तरीके से, तो ऐसे करने से नाम रुका होता है। बट किसी आदमी का ये डबल चिन वाले जो एरिया होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो इसी को कम करने का कुछ स्टेप्स हैं, कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ फेस योगाज हैं, जिनको कि अगर आप लोग डेली करते हो, ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट भी करते हो ना, तो आप लोग का जो फेस है वो एक अच्छे शेप में आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो मेरे चिक्स जो है वो फुले हुए से नहीं है, कट्स है, मेरे फेस के फीचर्स सही हैं। तो या और मैं लाइक डेली 15 मिनट्स करती हूँ। आप अगर कोई काम भी कर रहे हो ना, तो भी आप लोग बैठे बैठे भी इस योगा को कर सकते हो, एक्सरसाइज को कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एकदम इस योगा को करने के लिए स्पेशल हम लोग को कोई टाइम चाहिए, जी नहीं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बार वीडियोस आप लोग मेरी देख रहे हो, सब्सक्राइब कर देना यार, लाइक कर देना, शेयर कर देना, वीडियो से हमेशा बने रहना। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला हम लोग का जो योगा है वो लाइक बता रही हूँ मैं, अगर हम लोग पानी लेते हैं मुँह में तो ये चीज करते हैं ना, ये चीज हम लोग को मुंह के एयर के साथ करना है। तो लाइक बता रही हूँ मैं, इस तरीके से करना है आप लोग को 10 टाइम्स इस तरीके से करने के बाद फिर आप लोग को करना है सेकंड वाला। हैंड अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन हेड्स करना है हमें। अप्स एंड डाउन करने से क्या होगा, यहाँ के जो फैट्स है उन पर प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से वो जो होते हैं डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसलिए हेड्स को ओके 10 टाइम्स आप ये हेड्स अप एंड डाउन कर रहे हो, उसके बाद फिर से आप ये वाला कर सकते हो। लाइक आप सभी योगास को मिक्स करके कर सकते हो। अगर आप लोग ये करते करते सिर्फ थक गया हो तो आप लोग अप्स एंड डाउन वाले हेड्स कर लो, उसके बाद फिर इसको कर लो। थर्ड एक्सरसाइज जो मैं बता रही हूँ वो ये है, अपने यहाँ के चिन्स को इनसाइड में लाइक ले रहे हैं इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से करने से यहाँ का जो हम लोग का फैट होता है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। तो बस इस तरीके से हमें करना है। और एक और एक्सरसाइज है ये, हम लोग मतलब आप लोग इसको 10 to 15 times आप लोग कभी भी कर सकते हो, दिन में 2 से 3 बार भी कर सकते हो, आप लोग को जब टाइम मिले आप लोग तब कर सकते हो, बैठे हो कोई काम हाथ से कर रहे हो तो भी आप लोग इस चीज को कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट है वो ये है, मुंह ऐंठना। अब ऐसे कोई देखता तो वो तो बोलेगा लड़की है भाई मुंह ऐंठती है, देखो कितनी घमंडी है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है यार, आप ऐसे पब्लिक में जाकर के मत करना, बट आप लोग अगर कहीं लोकल में बैठे हुए हो, अपने जहाँ पे आप हो से वहाँ पे आप लोग कर सकते हो। अच्छा लगेगा क्या, लाइक हमेशा अच्छा लगेगा, अच्छा क्या लगना है, मतलब हो जाएगा आपका इसके फेस जो है वो शेप में आ जाएगा। तो ये करते वक्त हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि नोज को और ये सफर ज़्यादा क्लोज नहीं ले जाना है, वरना इन दोनों पार्ट्स का जो यहाँ का जो हम लोग का गैप है ना वो गैप कम हो जाएगा। जैसे इस तरीके से नहीं करना है, जितने दूर है हमारे लिप्स है वहीं से इस तरीके से करना है। एंड दैट्स इट। सो ये चार जो हमारे एक्सरसाइजेज हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज होते हैं हमारे फेस के लिए। कोई भी नहीं चाहता है कि हमारा जो गाल है वो बहुत फुला हुआ दिखे, या फिर कोई भी नहीं चाहता यार, फेस जो होता है वो खूबसूरती होता है, चाहे आप बॉयज हो या चाहे आप गर्ल्स हो, चाहे आप लेडीज हो, चाहे आप जेंट्स हो, चाहे आप कोई भी नहीं चाहते कि उनका जो फेस का जो फीचर्स है वो खराब हो, क्योंकि फेस के फीचर से सब बहुत ईजी सबको जज करते हैं। तो कोई नहीं चाहता कि उसका फेस बहुत ज़्यादा फुला हुआ हो या फिर कुछ भी। तो या तो आप लोग इस तरीके से एक्सरसाइज करके अपने फेस को एक अच्छा शेप दे सकते हो यार, आप लोग का फेस जो है वो एक अच्छे शेप में आ सकते, तो फिर और क्या चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियोस पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना वीडियोस को, एंड तक देखना, कमेंट्स करना। आप लोग कमेंट्स करने में बहुत तकलीफी करती हो, और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आप लोग को ये हेल्पफुल रहा या नहीं। आप लोग को 7 to 10 days में असर दिखेगा अपने फेस पर, 7 to 10 days में आप लोग को एक अच्छा खासा असर दिखेगा। सो या सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियोज़ पसंद आया हो। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर होगी हमारी, आप लोग का बाय।